ओ भाई ये क्या है, पता नहीं। हाँ तो चलो यार गाइस, सुबह हो चुकी और क्या ही बढ़िया नींद आई थी मेरे को। अरे यार नीचे क्या कर रहा था, चलो कोई बात नहीं भाई, क्या दिन चढ़ा यार आज का तो पूरा मस्ती वाला दिन चढ़ा भाई। और काफी ज्यादा समय हो चुका है मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं पे घूमने नहीं गया, क्यों ना यार आज दोस्तों को लेके घूमने जाया जाए। यार आज तो मेरे को कोचिंग जाना था, अरे यार लेट हो गया भाई, सर मारेंगे फिर से। चलो यार मैं जल्दी से कोचिंग जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। हाँ तो चलो यार यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर मैं कोचिंग जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। और यार मैंने सोचा कि मैं अपनी साइकिल को लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है और पापा की स्कूटी तो ये रही। चलो यार इसको लेके कॉलेज चलता हूँ। अरे यार पापा की स्कूटी तो भागती भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्या बढ़िया स्कूटी यार। तो मैं अपने दोस्तों को इसका शो ऑफ करवाऊंगा क्योंकि मेरे दोस्तों के पास साइकिल है और मैं उनको स्कूटी दिखाऊंगा। अरे अरे ये क्या हो रहा है यार, स्कूटी रुक क्यों गई। अरे यार ये क्या हो गया, इसको लगता है भाई इसका टायर पंचर हो गया। चलो यार नीचे उतर के देखता हूँ, हवा तो इसमें एकदम बढ़िया है लेकिन ये क्या भाई, इसके अंदर तो पेट्रोल ही नहीं। अरे यार पेट्रोल के बिना गाड़ी कैसे चलेगी। चलो यार इसके अंदर पेट्रोल डलवा लेता हूँ और बाद में पापा से पैसे ले लूंगा। बात तो सही है। और यार यहाँ पे पास ही में एक नया पेट्रोल पंप भी खुला है। चलो यार अपनी स्कूटी के अंदर वहीं से पेट्रोल डलवा लेता हूँ और उसके बाद कोचिंग चला जाऊंगा। और मेरे भाई मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई बिना शर्माई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिना बोले तो तुम लोग करने वाले हो नहीं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर मैं पेट्रोल पंप पे आ जाता हूँ और यहाँ से अपने स्कूटी के अंदर पेट्रोल डलवा लेता हूँ। लेकिन ये क्या भाई, पेट्रोल के दाम तो आसमानों को छू रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं यार, अपन तो 100 का पेट्रोल डलवाएगा यार, इससे ज्यादा नहीं डलवाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट भी दे दिया है। चलो यार अपनी स्कूटी को लेके कोचिंग चलता हूँ। अरे यार आज तो काफी लेट हो गया, सर बहुत मारेंगे। चलो कोई बात नहीं, कोई बहाना बना लूंगा। A few moments later. तो यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर मैं कोचिंग भी आ जाता हूँ लेकिन यहाँ पे तो कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी बाइक नहीं दिख रही यार। चलो यार अंदर जाके देखता हूँ क्या सीन है। अरे यार ये किसकी कॉल आ रही है, अरे यार ये तो हमारे कोचिंग मास्टर हैं। चलो बात करके देखता हूँ क्या सीन है। अरे बेटा बंटी, मुझे आज घर में कोई जरूरी काम याद आ गया तो आज मैं कोचिंग नहीं आ पाऊंगा और आज तुम्हें छुट्टी है तो तुम आज घर चले जाओ। ओ भाई यार आज तो छुट्टी होगी यार, कोचिंग से कितना मजा आएगा यार, आज का दिन तो बहुत ही मजा आएगा। चलो यार अपने दोस्तों के साथ आज तो मैं घूमने जा सकता हूँ और मम्मी पापा भी घर पे नहीं है। चलो यार वापस चलता हूँ घर पे। और मैं कोचिंग से वापस घर जा ही रहा था कि मैंने क्या देखा यार, ये रोड के किनारे पे सुशील कन्या क्या कर रही है। चलो यार बात बात करके देखता हूँ, क्या पता पट जाए यार। अरे ओ बाबू सुनती हो क्या, लटक मटक के चढ़ी हो, थोड़ा नंबर वंबर ही अपना दे दो। अबे ओ भिखारी कहेंगे कहाँ से आ गया तू, नूबड़े कहेंगे तेरी औकात है क्या मेरे से बात करने की। भिखारी कहेंगे छपरी निकल आया अपनी स्कूटी को लेके, नूबड़ा बेटा तेरे जैसे छत्ती रोज आते हैं और छत्ती रोज जाते हैं। भिखारी कहेंगे अपनी औकात देखिए तूने, नूबड़े कहेंगे अपनी खरारा स्कूटी ले, जब तेरे पास कोई अच्छी बाइक होगी तो तब लड़की को पटाना। अरे यार अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है यार, ये लड़की भी अपनी बेइज्जती कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास जब पैसा आएगा तो अपन भाई इस लड़की को बताएगा। अरे यार चलो यार अभी तो घर पे चलता हूँ, आज तो छुट्टी का मजा लेना है, इस लड़की को छोड़ो। और यार मैं अपनी धनों को लेके घर पे जा ही रहा था कि मैंने क्या देखा यार, ये रास्ते में इतनी सारी गाड़ियां क्यों खड़ी हैं। चलो यार नीचे उतर के देखता हूँ भाई क्या सीन है, कितनी मस्त मस्त गाड़ियां यहाँ पे। तो और ये रहे भैया, चलो यार इन भाई साहब से पूछता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इतनी सारी गाड़ियां क्यों खड़ी हैं यहाँ पे। कंपटीशन जीतो और 10 करोड़ रुपया पाओ, कंपटीशन जीतो और 10 करोड़ रुपया। अरे 10 करोड़ रुपया पाओ, कौन सा कंपटीशन हो रहा है भाई यहाँ पे जिसमें 10 करोड़ रुपया मिल रहा है। अरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मुझे भी बताओ यार। हाँ हाँ भिखारी स्कूटी वाले, तू अपनी स्कूटी को क्यों ले आया, कोई गाड़ी लेके आया, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की रेस होने वाली है और जो भी बंदा रेस जीतेगा उसको पूरे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। अरे भाई साहब मेरा भी नाम लिख लो यार, मेरे को भी रेस में पार्टिसिपेट करना है। अरे यार मेरा नाम लिख लो भाई प्लीज यार। अबे वो भिखारी कहेंगे बातें करोगी और दुकान पकड़ोगी, तेरे पास तो बाइक आ रहा है तू गाड़ी कहाँ से लाएगा। चल कोई बात नहीं, निकाल 5,000 रुपया तेरा, मैं नाम लिख लेता हूँ। अरे यार 5,000 रुपया मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं है। लेकिन मेरे पास यार कोचिंग की फीस पड़ी हुई है, क्यों ना मैं इसको वो वाली फीस दे दूं। तो यहाँ पे मैंने इस वाले भाई साहब को 4,000 रुपया दे के अपना नाम लिखवा लिया है। चलो यार अपने घर पे चलता हूँ। अबे ओ भिखारी रुक, इसमें तो 10 रुपए कम है, नूबड़े कहेंगे चूना लगा दिया मेरे को। अबे तू जान है यार भाई, ये वाली रेस कल स्टार्ट होने वाली और मेरे पास अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं है और मुझे आज के आज कोई ना कोई गाड़ी का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अरे यार अभी याद आया भाई, मेरे दोस्त का एक शोरूम है इस सिटी के अंदर। चलो यार अपने दोस्त के शोरूम पे चलता हूँ और उससे कोई गाड़ी मांग लेता हूँ। मैं गरीब हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर मैं अपने दोस्त के शोरूम पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई कितनी मस्त मस्त गाड़ियाँ खड़ी हैं। और यहाँ पे तो भाई महिंद्रा थार भी खड़ी है यार, मेरे को काफी अच्छी लग रही है ये तो। अबे ओ बंटी भिखारी, मेरे दोस्त कैसा है यार और मेरे शोरूम पे क्या कर रहा है, तुझे कोई गाड़ी वाड़ी लेनी है क्या। अरे हाँ यार चिंटू, मेरे को एक गाड़ी चाहिए यार एक दिन के लिए, तू मुझे कोई गाड़ी दे सकता है क्या, क्योंकि मुझे एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे गाड़ी चाहिए यार। अबे ओ भिखारी छपरी, तेरे पास कोई भी पैसे नहीं और तू गाड़ी उधारी में लेने आया, मुझे पता है भिखारी कहीं निकल रहा है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी तुझे। अरे यार
यार गाइस, आज तो सारे बंदे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं भाई। मैं इतना ज्यादा गरीब हूँ यार, मेरी कोई भी इज्जत नहीं है, लेकिन इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा यार। आज रात होने दो भाई, मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगा। तो चलो यार, अभी तो मैं अपने घर पे चलता हूँ और थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, काफी ज्यादा थक चुका हूँ और कल मेरे को रेस में भी जाना है। 2000 years later. हाँ तो चलो यार, यहाँ पे शाम हो चुकी है और भाई मैं अभी जाने वाला हूँ उसके शोरूम पे और अपना काम करने वाला हूँ। रुको जरा, सबर करो। तो यहाँ पे रात के अंधेरे में मैं अपनी स्कूटी को भगाते भगाते आ चुका हूँ अपने दोस्त के शोरूम पे और यहाँ पे आप लोग देखो भाई कितनी मस्त मस्त गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने भाई कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा। चलो यार, हम उसकी गाड़ियों की सिक्योरिटी करते हैं। अरे मेरा मतलब, मैं यहाँ से गाड़ी को चोरी करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को बोला था कि भाई मेरे को उधारी में गाड़ी दे दे, लेकिन शायद मेरे दोस्त को चाहिए था कि मैं गाड़ी को परमानेंट रख लूँ। लेकिन चलो यार, अभी यहाँ से गाड़ी को ले लेता हूँ। यहाँ पे अपनी गन से मैं इस वाली गाड़ी के लॉक को तोड़ देता हूँ और अभी मैं इस वाली गाड़ी को लेके जाने वाला हूँ। और यार, महिंद्रा थार तो मेरी फेवरेट है। अरे भाई, क्या बढ़िया गाड़ी मिलगी फ्री में मेरे को। बाकी तुम लोग मेरे को अपनी ड्रीम कार का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरे को भी पता चलना चाहिए ना यार। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी को लेके मैं आ चुका हूँ भाई घर पे और यहाँ पे अपने गैराज के अंदर इसको खड़ा कर देता हूँ और सुबह मैं इसको लेके जाने वाला हूँ रेस के अंदर। और भाई, रेस में तो मैं ही जीतूंगा यार, क्यों नहीं। The next day. हाँ तो चलो यार, यहाँ पे अगली सुबह हो चुकी है और भाई मैं रेस में जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। चलो यार, अपनी गाड़ी को निकालता हूँ गैराज से और लेके चलता हूँ रेस वाली साइड पे। और यार, ये वाली महिंद्रा थार तो भागती भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है यार, क्या बढ़िया स्पीड है इसकी। चलो यार, आज तो रेस मैं ही जीतूंगा। बाकी तुम लोग अगर चाहते हो कि मैं ही ये रेस जीतूं, तो तुम लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिना बोले तो तुम लोग नहीं कर रहे यार। यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर मैं रेस वाली जगह पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आप लोग देखो भाई कितनी मस्त मस्त गाड़ियां इस वाली रेस के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास भी भाई इंडियन महिंद्रा थार है 4x4 और रेस मैं ही जीतूंगा यार। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इन गाड़ियों के साथ अपनी गाड़ी को खड़ा करता हूँ, तो ये वाले बंदे तो मेरे ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और मेरे को भाई इस तरह बोलने लगते हैं, हाँ ये भिखारी कहेंगे इस टीम के डब्बे से क्या रेस जीतेगा, हमारे पास तो सुपर कार है। हाँ हाँ बेटा, रेस तो हम लोग ही जीतेंगे, जो मर्जी कर ले, अपने टीम के डब्बे को ले जाए यहाँ से। यार ये बंदे तो कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर रहे हैं, ये तो हमारी महिंद्रा थार को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, रेस स्टार्ट होने दो, मैं इनको इनकी औकात दिखा दूंगा। अच्छा, हमको सिखा दिया है। और यहाँ पे फाइनली हम सब लोग रेडी हो चुके हैं भाई रेस के लिए और यहाँ पे कुछ ही देर के अंदर रेस स्टार्ट होने वाली है। बाकी तुम लोग जोन सी गाड़ी के साथ हो भाई, इसका नाम कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। 3, 2, 1 Go! तो यहाँ पे भाई जैसी रेस स्टार्ट होती है, ये बंदे तो कुछ ज्यादा ही भाग रहे थे और यहाँ पे ये फॉर्च्यून वाला बंदा तो कुछ ज्यादा तेजी से जा रहा था, और जिसके कारण इसका गंदे वाला एक्सीडेंट भी हो गया और ये रेस से बाहर हो चुका है। और यहाँ पे बस हम दोनों इस वाली रेस के अंदर बाकी हैं। लेकिन ये क्या हुआ भाई, लैम्बोर्गिनी वाले बंदे की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इसकी गाड़ी तो रोड से नीचे उतर। अरे यार, अब तो मैं अकेला बच चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरी महिंद्रा थार फिनिश लाइन को कंप्लीट करते हुए इस वाली रेस को जीत जाती है। और भाई आप लोग देखो, यहाँ पे मेरे को मिली है एक गोल्डन रोल्स रॉयस और साथ ही मेरे को मिले हैं पूरे 10 करोड़ रुपए। भाई इन्होंने तो मेरे को गाड़ी भी दे दी। अरे यार, मेरे पास तो 2 गाड़ियां हो चुकी है। चलो यार, ट्रक वाले को फोन करते हैं और अपनी गाड़ियों को लेकर घर पे चलता हूँ। और यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर ट्रक भी आ जाता है और मैं इन दोनों गाड़ियों को अपनी ट्रक के अंदर लोड कर लेता हूँ और अभी मैं इनको लेके जाने वाला हूँ अपने घर पे। बाकी तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते करते जाना। और हाँ मेरे भाई, अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो पार्ट 2 के लिए कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। तो चलो यार, मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अच्छा।